छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दिन ग्रामीण क्षेत्र में हाथी के हमले देखने और सुनने को मिल रहे हैं। कोरबा विकास खंड के कोरकोमा गांव में बीती रात हाथी ने दस्तक दी, जहां फसलों को और स्कूल के बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया। जिले में हाथी का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों चुया भट गांव इलाके में करीब 50 हाथियों का दल विचरण करते देखा गया था, और अब एक हाथी कोरकोमा गांव में आधमका है। रात के वक्त लोगों को हाथी की चिंघार सुनाई दी। पता चला कि दंतेल गणेश गांव में ही घुस गया है। रात के अंधेरे में हाथी उत्पात मचाता रहा। स्कूल के बाउंड्री वॉल तोड़ने के बाद हाथी ने पास के खेत में लगी फसल को तबाह कर दिया। हाथी के चहलकदमी से ग्रामीण सहमे हुए हैं। रात के वक्त लोग घर में दुबके रहे। कुछ लोगों ने खौफ के बीच हाथी की तस्वीर कैमरे में कैद कर ली। वही सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुस्सैल हाथी को खदेड़ने का प्रयास शुरू हुआ, मगर गणेश कहां मानने वाला था। उसने रात भर गांव में जमकर उत्पात मचाया। घटना की सूचना मिलते ही देर रात वन अमला मौके पर पहुंचा, जहां रेस्क्यू कर जंगली हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि गणेश नामक हाथी पिछले कई सालों से दहशत मचा रखा हुआ है। वही कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। कोरबा से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज।